पर जे सानू कोई पुछे तुसी पढ़िया पाठ कीता बाणी जपी है साडे कोल नन्ना ही है हां ते कोई नहीं साडे कोल टाइम कोई नहीं जी साडे कोल सानू पढ़ना आउंदा नहीं जी साडियां मजबूरियां ने साध संगत जी असी ग्रंथी सिंघां दा यह जुम्मा समझ लिया भी वह पढ़न असी पैसे दे देंगे पाठ का फल सानू मिल जाएगा पर महाराज कहते नहीं प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपुआ तू राख्या जे दो पंक्तियां भी रोज पढ़ो तो सारी जिंदगी बड़ी बाणी पढ़ी जाती है दो पंक्तियां कंठ करो बड़ी बाणी कंठ हो जाती है बाबा राम सिंह जी नामधारी दी चिट्ठियां पढ़िया ने वो एक चिट्ठी च लिखते ने सिंगो बाणी कंठ करया करो एक कहन लगा महाराज मेनू बाणी कंठ नहीं हुंदी मियां सिंह दा नां सी बाबा राम सिंह जी कहिंदे मियां सिंह तैं जो आखदा है बाणी कंठ नहीं हुंदी सो काहे ते कंठ नहीं हुंदी जे दो पंक्तियां भी दो अखर भी रोज कंठ करे तां रोज बहुत बाणी कंठ हो जांदी है असीं बाणी तों टुटे होए आ जै तन बाणी विसर जाए ज्यो पक्का रोगी वे लाए अपने बच्चों नूं बाणी नाल जोड़ो आद ते दसम दी बाणी सत्कार योग है उही सत्कार करना जिहड़ा आद गुरु ग्रंथ साहिब दा करदे आ दसम दा भी उसे तरह करना है जिहड़ा कोई आके भुलेखे पावे भी इहदे च इह लिखिआ उह लिखिआ साध संगत जी उहनूं कहो वी तूं पढ़िआ तुहानूं जवाब मिलेगा कोई नहीं जिहने पढ़िआ नहीं उहदी गल की मननी होई पुछो संप्रदायी ज्ञानियां कोलों पुछो निहंग सिंघां कोलों जिन्हां ने दसम ग्रंथ पढ़िआ होइआ जिहने पढ़िआ ही नहीं ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ ਸੋ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।